डियर स्टूडेंट, आज हम लोग सीबीएसई क्लास नाइन्थ के बायोलॉजी का लेक्चर टू पढ़ेंगे। चैप्टर है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस, कि फूड रिसोर्सेस में कैसे इम्प्रूवमेंट करें, जिसका कि हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था। क्रॉप सीजन तक हम लोगों ने जाना था। आज हम जानेंगे इंक्रीजिंग क्रॉप यील्ड, मतलब पैदावार को कैसे बढ़ाने के लिए हम क्या करें। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंक्रीजिंग क्रॉप यील्ड, मतलब यहां पर हम लोग पढ़ेंगे इंक्रीजिंग क्रॉप यील्ड, क्रॉप की यील्ड को कैसे बढ़ाएं। तो क्रॉप के यील्ड को बढ़ाने के लिए बच्चों हम लोग बेसिकली तीन चीजें करते हैं, वैरायटी इंप्रूवमेंट, प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट और प्रोटेक्शन इंप्रूवमेंट। तीन चीजें करते हैं। एक वैरायटी इंप्रूवमेंट, नंबर वन वैरायटी इंप्रूवमेंट, वैरायटी इंप्रूवमेंट। नंबर टू, वैरायटी इंप्रूवमेंट के बाद प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट, प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट और नंबर तीन हम लोग कहते हैं थर्ड को प्रोटेक्शन इंप्रूवमेंट। प्रोटेक्शन इंप्रूवमेंट, तो जो डियर स्टूडेंट पहले हम लोग सबसे पहले देखेंगे वैरायटी इंप्रूवमेंट को, जिसमें हम लोग देखेंगे सेलेक्टिव ब्रीडिंग, हाइब्रिडाइजेशन और जेनेटिक मैनिपुलेशन। तो सबसे पहले हम लोग वैरायटी को कैसे इंप्रूव किया जाए इसके मेथड के बारे में देखेंगे। तो इसको हम लोग देखेंगे सेलेक्टिव हाइब्रिडाइजेशन या सेलेक्टिव ब्रीडिंग, हाइब्रिडाइजेशन और जेनेटिक मैनिपुलेशन। सेलेक्टिव ब्रीडिंग, सेलेक्टिव ब्रीडिंग, सेलेक्टिव ब्रीडिंग और उसके बाद हम लोग देखेंगे सेलेक्टिव ब्रीडिंग में उसके बाद हम लोग देखा जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन और इसके बाद देखा जाएगा जेनेटिक मैनिपुलेशन। जेनेटिक मैनिपुलेशन पहले एक एक को बच्चों हम लोग समझते हैं। देखिए, अगर हम क्रॉप के वैरायटी को या क्रॉप के यील्ड को बढ़ाना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमको अपनी क्रॉप की वैरायटी को इंप्रूव करना होगा। और वैरायटी जब इंप्रूव करेंगे तो उसके साथ साथ प्रोडक्शन को भी इंप्रूव करना पड़ेगा। और उसके बाद उस क्रॉप को हम प्रॉपर इंसेक्ट इन सारी चीजों से बचाएं, तो उसके लिए प्रोटेक्शन को भी इंप्रूव करना पड़ेगा। तो एक एक चीजों के बारे में हम लोग जानते हैं। वैरायटी इंप्रूवमेंट है सेलेक्टिव ब्रीडिंग। सेलेक्टिव ब्रीडिंग का मतलब होता है डियर स्टूडेंट, सेलेक्टिव ब्रीडिंग का मतलब यह होता है कि इट रिफर टू ए प्रोसेस विच ओनली दोज प्लांट आर अलाउड टू ब्रीड एमंग देमसेल्फ विच हैव बेटर एंड डिजायरेबल कैरेक्टर। मतलब हम सब प्लांटों को जो है हम सेलेक्ट करेंगे, ब्रीड को हम सेलेक्ट करेंगे और केवल उन्हीं प्लांट को हम जो है क्या करेंगे, अलाउ करेंगे, जो कि ब्रीड के लिए जिसमें कि डिजायर कैरेक्टर होगा। मतलब जिस प्लांट में डिजायरेबल कैरेक्टर होंगे केवल उसी प्लांट को हम ब्रीडिंग के लिए अलाउ करेंगे। जैसे आप यहां पर सपोज करिए कि सेलेक्ट वैरायटी को इंप्रूव करना है। अब यहां पर मान लीजिए कि यहां पर दो वैरायटी, कैसे वैरायटी को इंप्रूव करते हैं सेलेक्टिव ब्रीडिंग में, क्या करते हैं,
जैसे कि हम चाहते हैं कि कोई एक विशेष करेक्टर को हम चाहते हैं कि यह हमारे प्लांट में ऐसा करेक्टर आए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दो आम के पेड़ हैं, आप एग्जाम्पल को ऐसे समझिए, यहाँ पर दो आम के पेड़ हैं, एक पेड़ यहाँ है और पेड़ कहीं है, लेकिन हम ब्रीड को सेलेक्ट कर रहे हैं कि जिस प्लांट को हमको ग्रो कराना है। तो कई पेड़ हैं, हमने दो को सेलेक्ट किया। क्यों सेलेक्ट किया? क्योंकि ये जो पेड़ प्लांट नंबर वन है, देखिए इसमें हम जो ब्रीड को जो सिलेक्शन करेंगे तो हम जरूर उसके कुछ ना कुछ डिजायरेबल करेक्टर, डिजायरेबल करेक्टर का मतलब वो करेक्टर हम चूज करेंगे जिस करेक्टर को हम चाहते हैं कि हमारे प्लांट में जिसको हम ग्रो करा रहे हैं उसमें रहे। तो हम क्या करेंगे, जैसे एक और दो, ये दो प्लांट है और दोनों को हम लोगों ने क्या किया, सेलेक्ट किया। सेलेक्ट क्यों किया कि ये जो प्लांट नंबर वन है इसमें क्या है, ये स्ट्रेस टोलरेंट, मतलब जैसे स्ट्रेस टोलरेंट का मतलब है कि ये प्लांट ऐसा है बच्चों, स्ट्रेस टोलरेंस का मतलब क्यों, ये ड्राट रेसिस्टेंट है, ये फ्लड रेसिस्टेंट है, मतलब ये सूखा से भी नहीं खत्म होता है अगर, और बाढ़ से भी जल्दी नहीं खत्म होता, मतलब इसमें स्ट्रेस टोलरेंट करने की प्रॉपर्टी पाई जाती है। और दूसरा वाला जो है इसकी फूड की क्वालिटी, इसके फ्रूट की क्वालिटी बहुत बेटर है। मतलब एक करेक्टर, पहला हमने बेनिफिशियल करेक्टर क्या लिया, नंबर वन करेक्टर, इसका बेटर फ्रूट क्वालिटी, बेटर फूड क्वालिटी, और इसका फर्स्ट करेक्टर क्या है, स्ट्रेस टोलरेट, स्ट्रेस टोलरेट, इसमें स्ट्रेस को सहने की क्षमता है। तो देखो यहां पर डियर स्टूडेंट कि यहां पर क्या है कि ये जो प्लांट होते हैं इसमें मान लीजिए मैंगो जो है, वह मैंगो जो है सपोज करो कि उसकी साइज काफी छोटी है, मैंगो या गुआवा कुछ भी समझे, इसकी साइज काफी छोटी है, और ये जो मैंगो है इसकी साइज काफी बड़ी है। तो देखो स्टूडेंट यहां पर इसका जो फ्रूट है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, फ्रूट की क्वालिटी इसकी अच्छी है, लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये डिजीज के प्रति ज्यादा सस्टेनेबल है, मतलब थोड़ा सा भी स्ट्रेस को सह नहीं सकता है। फ्रूट की इसकी क्वालिटी अच्छा है, मार्केट वैल्यू इसका अच्छा है क्योंकि इसका फ्रूट अच्छा है, लेकिन इस प्लांट में कोई भी बीमारी बहुत जल्दी हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेस को टोलरेट नहीं कर पाता, इसकी रेसिस्टेंट कैपेसिटी अच्छी नहीं है। देखिए और दूसरा ये है कि दूसरे में क्या है कि प्लांट, ये दूसरा पहला ये मैंगो है, इसकी बीमारियों से लड़ने की खूब क्षमता इसमें पाई जाती है, लेकिन इसके फ्रूट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, बहुत छोटी है। तो हम क्या कहेंगे कि हम यहाँ पर हमारा डिजायर करेक्टर क्या हो गया, डिजायर करेक्टर हो गया पहले में कि बेटर फ्रूट क्वालिटी, और यहाँ पर हो गया स्ट्रेस टोलरेंट प्रॉपर्टी। अब हम क्या चाहेंगे, अब ऐसे ब्रीड को हमने सेलेक्ट किया, अब इन ब्रीडों के बीच हम क्या कराएंगे, हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे। क्या कराएंगे? हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि इनके बीच हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? क्रॉस। क्रॉस जब करेंगे तो देखिए इस मैंगो का पालन ग्रेन और इसके स्टेगमा पर जब रखेंगे तो क्या होगा बच्चों, यहां पर क्रॉस कराने में, यहां पर डियर स्टूडेंट यहां ध्यान दीजिए, जब हम क्रॉस कराएंगे तो इन दोनों के क्रॉस से जो हमें दूसरा सीड मिलेगा वो क्या होगा, उसमें स्ट्रेस टोलरेंट प्रॉपर्टी और बेटर फूड क्वालिटी दोनों पाए जाएंगे। तो अब ये जो तीसरा प्लांट हमने यहां पर तैयार किया इन दोनों के क्रॉस से, इसके फूड की क्वालिटी भी बेटर है, और मतलब इसके इसका फ्रूट भी काफी
बड़ा है और साथ ही साथ इसमें रोग से लड़ने की क्षमता मतलब रेसिस्टेंट पावर भी ज्यादा है। तो देखिए हाइब्रिडाइजेशन से हमने क्या किया, एक इंप्रूव वैरायटी को क्या किया, ग्रो किया। और दूसरा चीज हम देख रहे हैं जेनेटिक मैनिपुलेशन। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए या उनके न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, फॉरेन जीन को उसमें ट्रांसफर करते हैं। इस फिनेमना को कहते हैं जीन मैनिपुलेशन, या आप देखेंगे जीन मैनिपुलेशन को आप बायोटेक्नोलॉजी जब बड़े क्लासों में जाएंगे तो देखेंगे गोल्डन राइस। जैसे चावल में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट तो खूब होता है लेकिन विटामिन ए नहीं होता है। और यूरोपियन कंट्री में क्या है, जहां कुछ राइस लोग ज्यादा खाते हैं, ये देखा गया कि उन लोगों में नाइट ब्लाइंडनेस बहुत ज्यादा समस्या, नाइट ब्लाइंडनेस की समस्या बढ़ रही है। तो उन्होंने क्या सोचा कि हम कुछ ऐसा करें कि चावल तो खाते हैं, चावल की पैदावार होती, चावल खाते हैं, तो इसका मतलब है कुछ ऐसा करें कि चावल में ही विटामिन ए मिलने लगे जिससे कि ये बीमारी की समस्या ना हो, नाइट ब्लाइंडनेस की समस्या ना हो। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, जो कैरेट गाजर है उसके जीन को चावल में इनकॉर्पोरेट मतलब फॉरेन जीन मतलब दूसरा प्लांट का जीन राइस में इनकॉर्पोरेट करा दिया। इसको जीन जो है कि बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से बाय द यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी दे कैन ट्रांसफर द जीन ऑफ कैरेट इन राइस। और ऐसे राइस जो है कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ विटामिन ए रिच भी हो गए, उसमें कार्बोहाइड्रेट तो पाया ही जाता था अब विटामिन ए भी पाया जाने लगा, ऐसे राइस को हम लोग कहते हैं गोल्डन राइस। तो ये जीन मैनिपुलेशन क्या होता है, जेनेटिक मैनिपुलेशन की जीन उनके जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट्स में कुछ जोड़ना या उसमें से कुछ हटाना। अगर कोई अनडिजायरेबल जीन है तो उसको वहां से हटाना और कोई अच्छा जीन है तो उसमें डालना, इनकॉर्पोरेट करना। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, वैरायटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ ये वैरायटी भी थी, ये वैरायटी भी थी, लेकिन इनसे दोनों से जो तीसरी वैरायटी हमने बनाया वो क्या है, उसमें दोनों के अच्छे गुण हैं, मतलब ये और अच्छी क्वालिटी आपको मिल गई। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट, कि हम प्रोडक्शन का इम्प्रूवमेंट कैसे करें। तो प्रोडक्शन का इम्प्रूवमेंट करने के लिए हमको क्या करना होगा कि हमको खेती के जो हमारे एग्रीकल्चर के जो संसाधन हैं, जैसे अच्छे से इरिगेशन के माध्यम डेवलप करने होंगे, सिंचाई, जैसे बहुत ज़्यादा वाटर का मतलब जो है कि मिसयूज भी ना हो और हमारे सारे खेतों में जो भी प्लांट हो सबको पर्याप्त इनफ अमाउंट में वाटर भी अवेलेबल हो। तो इसको लिए हम प्रोडक्शन का इम्प्रूवमेंट कैसे करते हैं, आइए बच्चों इसको हम देखते हैं कि हम प्रोडक्शन का इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं। देखो डियर स्टूडेंट, अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि प्रोडक्शन का इम्प्रूवमेंट, तो देखिए बच्चों प्रोडक्शन का इम्प्रूवमेंट करने के लिए कुछ प्रोसीजर को अपनाना पड़ता है, जैसे न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, और उसके बाद न्यूट्रिएंट मैनेज के बाद फार्मिंग जो है मैन्योर, इसके साथ साथ हम लोग न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के साथ साथ और क्या करेंगे, खाली न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट नहीं होगा, फर्टिलाइजर, फिर उसके बाद वाटर और इरिगेशन मैनेजमेंट, कई प्रोसेस होती हैं जिसको हम लोग मेंटेन करेंगे तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा। क्या करेंगे, वैरायटी अच्छी है, मान लीजिए हमने वैरायटी अच्छी डेवलप कर ली लेकिन उसको अच्छे से न्यूट्रिएंट ना दें, उसको अच्छे से पानी सिंचाई उसकी ना करें, तो क्या बच्चों हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, कभी नहीं बढ़ेगा। वैरायटी केवल अच्छी रहने से प्लांट का प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, बल्कि अच्छी वैरायटी है तो उसको अच्छे से डेवलप होने के लिए अच्छी चीजें भी अवेलेबल कराएंगे तब प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो इसके लिए प्रोडक्शन का इम्प्रूवमेंट हम कैसे करते हैं कि देखो बच्चों, यहां पर प्रोडक्शन का इम्प्रूवमेंट नंबर वन, हम पहले न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करते हैं। देखिए यहां पर न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कैसे होता है, न्यूट्रिएंट का मैनेजमेंट कैसे होता है, तो देखो बच्चों अब हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग जैसे अपने हेल्थ का जांच कराते हैं, जैसे अगर हमको ये पता रहता है कि हमको दवा लेनी, डॉक्टर के पास जब दवा लेने जाते हैं
तो डॉक्टर रोग का पता लगाने के लिए जांच कराता है। जब जब एक बार वो जांच करा लेता है तो क्या करता है, एकदम सटीक दवा देता है जिससे बीमारी ठीक हो जाती है। अब हमें पता नहीं है कि हमारे खेत में किस मिनरल की कमी है। हमारे प्लांट को लगभग 70 टाइप्स के मिनरल चाहिए बच्चों। मिनरल तो 60 तरह के चाहिए, 16 टाइप के चाहिए, लेकिन उसमें से जो 17 जो हैं वो बहुत ही इसेंशियल होते हैं प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। उनके कमी में या उनके अनअवेलेबिलिटी में प्लांट अपने लाइफ साइकिल को फुलफिल नहीं कर पाता या पूरा नहीं कर पाता। तो ये जो न्यूट्रिएंट हैं इनको हम दो पार्ट में बांटते हैं। एक को कहते हैं आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट और दूसरे को कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो न्यूट्रिएंट वो होते हैं जो लिटिल अमाउंट में, जिनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, लिटिल अमाउंट में होती है। और मैक्रो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, जो क्या होते हैं, लार्ज अमाउंट में इनकी रिक्वायरमेंट होती है। माइक्रो न्यूट्रिएंट की लिटिल अमाउंट और मैक्रो न्यूट्रिएंट की लार्ज अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है। तो बच्चों अब हमको ये देखना है कि सबसे पहले हमको चेक करना है। हम प्राय देखा क्या जाता है, आप लोगों ने देखा होगा कि खेती का पैटर्न कैसे होता है, कि हम देखते हैं कि अगर दो खेत है, बगल वाला किसान अपने खेत में सल्फर डाल रहा है, यूरिया डाल रहा है, डाई डाल रहा है, तो उसके बगल वाला सोचता है यार वो डाल दिया हम नहीं डाले, वो तो यूरिया डाल दिया, अब उसका हाथ पैर उसके फूलने लगते हैं कि उसने तो यूरिया डाल दिया हमने नहीं डाला। लेकिन ये गलत बात है बच्चों, हमको ये देखना है कि उसकी बीमारी अलग है, मेरी बीमारी अलग है, तो उसकी दवा अलग होगी, मेरी दवा अलग होगी, एक ही दवा सबको नहीं लेनी है। अब हो सकता है हमको इसके लिए कैसे पता करें, हम इसलिए किसान बहुत सारे हमारे फार्मर क्या करते हैं, देखा देखी खाद डालते हैं, कि अब उससे क्या होता है, हमारा लागत भी बढ़ गया, हमको बेनिफिट भी नहीं मिला, हुआ है जुखाम और दवा कर रहे हैं कैंसर का, तो न फायदा भी नहीं होगा, पैसा भी लग गया। तो उसी तरह से हमको क्या करना, अपनी मिट्टी की जांच करानी, सॉइल टेस्टिंग लैब होते हैं, और वहां जाने पर मिट्टी की बकायदे जांच होती है, और जांच के बाद ये पता चल जाएगा कि हमारे सॉइल में किन किन चीजों की कमी है और किसकी कमी नहीं है। अगर मान लीजिए हमारे सॉइल में जो है कि नाइट्रोजन की कमी है या फास्फोरस की कमी है, फास्फोरस की कमी और डाल रहे हैं सल्फर, तो बताइए कि पैदावार बढ़ेगी या घटेगी, प्रोडक्शन तो नहीं बढ़ा, क्यों, क्योंकि जिसकी कमी है वो डाले ही नहीं, हमने इसलिए फास्फोरस का कमी था फास्फोरस का डाल दिया सल्फर, क्योंकि बगल वाला सल्फर डाल रहा है। तो इसमें क्या है कि हमको मिट्टी की जांच करानी चाहिए, और जांच कराने के बाद तब न्यूट्रिएंट को डालना चाहिए। इससे होगा क्या बच्चों कि न्यूट्रिएंट की अमाउंट भी कम लगेगी और आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा, प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। मान लीजिए ऑलरेडी आपके खेतों में नाइट्रोजन बहुत ज्यादा है तो यूरिया डालने की कोई जरूरत नहीं है, यूरिया क्यों डालते हैं, नाइट्रोजन का सोर्स है, जब नाइट्रोजन ऑलरेडी हमारे सॉइल में प्रेजेंट है तो हम क्यों नाइट्रोजन डालें। तो इससे क्या होता है कि हमारी अगर हम जांच करा लेते हैं तो हमको ये पता चल जाता है कि सॉइल में किस चीज की कमी है, और जिसकी कमी है वही डालते हैं और प्रोडक्शन बम्पर होता है, अच्छा होता है। तो इससे हुआ क्या, हमारा लागत भी कम लगा, हमने बिना वजह के कोई फर्टिलाइजर नहीं डाला, लागत भी कम लगा और प्रोडक्शन भी ज्यादा मिला। तो इससे क्या होगा, हमारा प्रोडक्शन बढ़ा, क्रॉप इंप्रूवमेंट हुआ, प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट हुआ। अब इसके अलावा हम लोग देखेंगे फर्टिलाइजर में, जैसे इसमें फर्टिलाइजर भी है तो कौन से फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, अगर केमिकल फर्टिलाइजर है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, मैन्योर है, तो अगर हम लोग बच्चों
बार बार लगातार खाली केमिकल फर्टिलाइजर डालते रहेंगे तो क्या होता है, जो सॉइल की नेचुरल अपनी प्रोडक्टिविटी होती है वो कम हो जाती है, घट जाती है। तो जब वो कम हो जाती है या जब घट जाती है तो बच्चों क्या है, हम लोग को प्रोडक्शन अच्छा नहीं मिलता है। सॉइल क्या है, हमको केमिकल फर्टिलाइजर के जगह आजकल ऑर्गेनिक गोबर या सड़े गले जो है गोबर या सड़े गले पदार्थों से बने जो खाद हैं या फर्टिलाइजर हैं उनका यूज किया जा रहा है। आजकल ग्रीन मैन्यूर का यूज किया जा रहा है। ग्रीन मैन्यूर, व्हाट इज ग्रीन मैन्यूर, उसको ग्रीन गोल्ड भी कहते हैं। ग्रीन मैन्यूर को ग्रीन गोल्ड भी कहा जाता है। जैसे बच्चों कुछ प्लांट ऐसे होते हैं लेगुमिनेसी फैमिली के कि जिनके रूट में नाइट्रोजन बहुत ज्यादा होता है, नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले बैक्टीरिया होते हैं, नाइट्रोजन भी बहुत ज्यादा होता है। हम करते क्या है कि जब खेत में उन प्लांट को हम ग्रो कराते हैं और ग्रो कराने के बाद जब प्लांट थोड़े बड़े हो जाते हैं, एकदम पूरी अच्छे तरह से बड़े नहीं, थोड़ा सा उनका जो है स्टेम थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए, थोड़े ही बड़े होते हैं, तो उस खेत को क्या करते हैं, जोतवा देते हैं उसकी, और उससे क्या होता है और पानी भर देते तो वो प्लांट क्या होता है, उसमें सड़ जाता है। और जब सड़ता है तो क्या होता है, उस मिट्टी में नाइट्रोजन की अमाउंट बढ़ जाती है। तो इसमें हमने कोई फर्टिलाइजर नहीं डाला, इसको हम कहते हैं बायो फर्टिलाइजर। मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को, एक प्लांट को हमने जब फर्टिलाइजर यूज किया तो इस तरह के बायो फर्टिलाइजर भी इसे कहेंगे। और चूंकि ये ग्रीन प्लांट है तो इसे ग्रीन मैन्यूर या ग्रीन गोल्ड भी कहते हैं। इससे क्या होता है, हमारे सॉइल की जो नेचुरल प्रॉपर्टी होती है उसमें भी किसी तरह का लॉस नहीं होता और प्रोडक्टिविटी हमेशा मेंटेन रहती है। केवल मैन्योर और न्यूट्रिएंट के या फर्टिलाइजर के मैनेजमेंट से ही प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा बच्चों, बल्कि हमें प्रॉपर इरिगेशन क्या करना है, प्रॉपर इरिगेशन भी देना है, जो है प्रॉपर इरिगेशन, वाटर एंड इरिगेशन मैनेजमेंट। प्रॉपर इरिगेशन, इरिगेशन का मतलब ही होता है कि सिंचाई। अब खेतों में पौधे को कब किस समय पर पानी की आवश्यकता है इसका भी विशेष ध्यान देना चाहिए और पानी की ज्यादा मिसयूज ना हो उसके लिए स्प्रिंकलर खेतों में लगाए जाते हैं, फब्बारा विधि। तो फब्बारा से क्या होता है बच्चों, पाइप लगाया जाता है और जगह जगह उसमें छेद होते हैं जैसे फब्बारा की तरह निकलता है, तो जैसे बारिश होता है उस तरह से पानी ऊपर से आता है, तो प्लांट के हर पार्ट में पानी जाता है और सॉइल के पर भी जाता है, जिससे प्लांट को एक बहुत ही ओवरऑल बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, बहुत अच्छी डेवलपमेंट होती है। या जो होती है ड्रॉप इरिगेशन होता है, मतलब जहां पर प्लांट की जड़ है, पूरे खेत में सिंचाई नहीं करेंगे, ड्रॉप इरिगेशन में क्या है, अगर ये प्लांट है, सपोज करें ये प्लांट है, तो बस यहीं पर ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी इसके रूट के पास यहां पर जाता है, जिससे पौधे को पर्याप्त पानी भी मिलता है और पानी का कोई नुकसान भी नहीं होता। तो उनका प्रॉपर इरिगेशन भी करना चाहिए। और उसके बाद हम लोग का बच्चों देखना है मैन्यूर और फर्टिलाइजर के बाद क्रॉपिंग पैटर्न, किस तरह से पौधे को लगाया जाए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोटेक्शन को बढ़ाने के लिए। देखिए क्या आंसर, क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉपिंग पैटर्न का मतलब होता है, जैसे अब यहां पर हम देखेंगे कि क्रॉपिंग पैटर्न में बच्चों हम कुछ विशेष चीजों को देखेंगे, जैसे मिक्स क्रॉप और इंटरक्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन, ये कुछ चीजें को हम देखेंगे। मिक्स्ड क्रॉप और उसके बाद जो है क्रॉप रोटेशन, मतलब कैश क्रॉप, और इसके साथ साथ हम देखेंगे इंटरक्रॉपिंग।
अब बच्चों देखिए इसमें हम लोग क्या देखेंगे, जैसे सबसे पहले हम लेते हैं मिक्स क्रॉप को, कि व्हाट इज मिक्स क्रॉप। मिक्स क्रॉप में क्या होता है कि हम लोग एक साथ कई क्रॉप बोते हैं। जैसे अगर मान लीजिए ये आपका फील्ड है, ये आपका एग्रीकल्चरल लैंड है, ये एग्रीकल्चरल एरिया है। सपोज करें यहाँ पर मैं डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास आप लोग को करता हूं। देखो बच्चों ये क्या है, देखो बच्चों ये क्या है, जैसे सपोज करिए कि ये हमारा कोई एग्रीकल्चरल लैंड है। अगर इस एग्रीकल्चरल फील्ड में हम क्या होगा अनरैंडम मेथड से इसी तरह से जो है सीड को बोध कर ऐसे फेंक देंगे सीड को। कोई आपने देखा होगा किसान क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे ही सीड को ऐसे छिड़क देते हैं। तो सीड को आप छिड़क दोगे तो कोई सीड यहाँ गिरेगा, कोई सीड यहाँ गिरेगा, कोई यहीं बगल में गिर जाएगा। मतलब कहने का तात्पर्य है कि कोई यहाँ गिरा तो कोई इतना दूर गिरा, कोई यहीं बगल में गिर गया, मतलब कोई पैटर्न नहीं है उसका। तो देखो क्या होगा कि जो बहुत दूर गिरा उसको तो मान लीजिए न्यूट्रिशन मिलेगा, बाकी जगह पर गिरा ही नहीं। और जहाँ बहुत नज़दीक नज़दीक गिर कई सीड गिर गए वो अच्छे से जमेंगे तो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक निश्चित पैटर्न बनाते हैं कि क्रॉप के बीच एक निश्चित डिस्टेंस भी मेंटेन रहे, और जैसे क्या हो एक एक क्रॉप से दूसरे उन क्रॉप के बीच अगर एक फिक्स डिस्टेंस रहेगा, एक निश्चित डिस्टेंस रहेगा तो इरिगेशन भी आसान होगा, उसमें से वीड्स का निकालना भी आसान होगा और उनकी प्लकिंग भी आसानी से होगी। मतलब बहुत सारी और उनका ग्रोथ और डेवलपमेंट भी आसानी से होगा, क्योंकि उनके बीच आपस में न्यूट्रिएंट के लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं होगा। तो देखिए उसके लिए हम कुछ मेथड अपनाते हैं, एक मिक्स क्रॉप है। मिक्स क्रॉप में क्या करते हैं हम लोग कि डाईकाट और मोनोकाट, डाईकाट और मोनोकाट, डाईकाट और मोनोकाट को आपस में मिक्स करके उगाते हैं, मिक्स करते हैं। और मिक्स करते समय हम इस बात का भी ध्यान देते हैं कि दोनों की जो सीजनल रिक्वायरमेंट है वो सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम मिक्स कर दिए तो गेहूं के साथ अरहर मिक्स कर दें, ऐसा नहीं है। हम ऐसे क्रॉप को ही मिक्स करेंगे जिसकी दोनों की रिक्वायरमेंट लगभग लगभग सेम टाइप हो। सेम का मतलब है कि सेम लाइट ड्यूरेशन चाहिए, सेम टेम्परेचर चाहिए। नहीं ये नहीं कि एक जाड़े की फसल है, गर्मी की फसल है, दोनों को मिक्स कर दें और खेत में बो तो प्रोडक्शन नहीं मिलेगा। प्रोडक्शन अगर गर्मी का होगा तो गर्मी वाला ग्रो करेगा, जाड़े वाला ग्रो नहीं कर पाएगा। तो दोनों का सीजन एक ही होना चाहिए, इस बात का हम ध्यान देंगे। और ये भी ध्यान देते हैं कि एक डाईकाट होना चाहिए, दूसरा मोनोकाट होना चाहिए। ऐसा क्यों, क्योंकि बच्चों जो डाईकाट होते हैं, डाईकाट के जो प्लांट होते हैं उनकी जड़ें काफ़ी गहराई तक जाती हैं, उनको हम टैप रूट कहते हैं। ये जमीन में काफ़ी गहराई तक चली जाती हैं, इनको टैप रूट कहा जाता है। और जो मोनोकाट होते हैं, मोनोकाट की जो जड़ें होती हैं वो जमीन में गहराई तक नहीं जाती हैं, वो ऊपरी 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 सरफेस पर ही रहती हैं, फैली रहती हैं। तो अब देखो बच्चों अगर आप मोनोकाट और मोनोकाट को ही मिला दोगे तो सबकी जड़ें ज़्यादा अंदर तक नहीं जाएंगी, और सॉइल में मान लीजिए अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट है और ऊपर कम है, तो सब अंदर से न्यूट्रिएंट नहीं ले पाएंगे क्योंकि उनकी जड़ें वहाँ तक नहीं जा पा रही, सब अपर सरफेस से ही न्यूट्रिएंट लेंगी और रिजल्ट क्या होगा कि प्रोडक्शन कम होगा। जबकि खेत में आपके जो एरिया है एग्रीकल्चरल लैंड है उसमें न्यूट्रिएंट खूब अवेलेबल है, लेकिन प्रोडक्शन कम हुआ क्योंकि जो रूट है वहां तक पहुंच ही नहीं पाई जहां तक न्यूट्रिएंट था। तो अब हम लोग देखेंगे क्या बच्चों, जैसे गेहूं के खेत में आपने सरसों को देखा होगा कि गेहूं और सरसों को एक साथ मिलाकर बोते हैं, तो ऐसा करने से होता क्या है कि जो सरसों है वो क्या है, मस्टर्ड क्या है, वो डाईकाट है, उसकी जड़ें जमीन में अंदर चली गई और गेहूं की जड़ें ऊपर है, तो ये ऊपर अपर सरफेस से न्यूट्रिएंट ले रहा है और ये लोअर सरफेस, एक ही खेत में है लेकिन सॉइल से न्यूट्रिएंट लेने में दोनों के बीच किसी तरह का कोई कंपटीशन नहीं है। तो देखिए, और जब आप सिंचाई इरिगेशन करोगे उसे सरसों के लिए अलग से करना नहीं है, इसी के लिए करोगे इसको भी मिल जाएगा। टेम्परेचर लाइट आपको सब दोनों की रिक्वायरमेंट सेम है, आपको अलग से कुछ मेंटेन नहीं करना है, एक साथ आपको दो फसल मिल गया, डबल मुनाफा।
तो इसको हम कहते हैं मिक्स क्रॉपिंग, मतलब एक से ज्यादा क्रॉप को आपस में मिलाकर बोने की प्रोसेस को कहेंगे मिक्स क्रॉपिंग। इसमें इस बात का हम ध्यान देते हैं कि जिस क्रॉप को मिक्स कर रहे हैं वो दोनों का सीजन एक ही हो, और साथ ही साथ एक मोनोकाट हो तो दूसरा डाईकाट हो। और क्रॉप रोटेशन बच्चों इस तरह से होता है, इसमें दो क्रॉप नहीं बोते हैं, इसमें एक ही क्रॉप एक बार में बोते हैं, लेकिन एक बार अगर हम उसमें मोनोकाट बोएं तो दूसरी बार डाईकाट बोते हैं। जैसे हमारे यहाँ खरीफ और रबी के रूप में जो हमारे यहाँ ट्रेंडिशन है कि एक बार गेहूं बोते हैं तो एक बार धान बोते हैं, मतलब चावल पैडी, एक बार व्हीट एक बार पैडी, तो उससे होगा क्या बच्चों? देखो यहाँ पर बहुत सिंपल वे में समझो कि देखो दोनों मोनोकाट हैं, तो अभी आपको हमने बताया कि मोनोकाट की जड़ें ज्यादा गहराई तक नहीं जाती। अब ये एग्रीकल्चरल लैंड में आपने यहाँ पर एक बार गेहूं बोया और दूसरी बार मान लीजिए ये पैडी बो रहे हो, इसकी भी जड़ें बहुत गहराई तक नहीं गई। तो देखो बच्चों दोनों क्या है, अब मान लीजिए ये सॉइल में यहां पर न्यूट्रिएंट आकर इकट्ठा है, लेकिन इनकी जड़ें यहां पहुंच ही नहीं पा रही, जबकि न्यूट्रिएंट यहां पर भरपूर है, पहुंच नहीं पा रही, ऊपर कम है और ऊपर से दोनों ले रही हैं। तो आप जब गेहूं और मतलब वीट और पैडी को बराबर बोते रहोगे, दोनों मोनोकाट हैं, तो अपर सरफेस पर क्या होगा, न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी और प्रोडक्शन कम होगा। लेकिन अगर आपने मान लीजिए एक बार गेहूं बोया और दूसरी बार अरहर बोया, तो ध्यान देना कि ये अपर सरफेस से न्यूट्रिएंट रहेगा और अरहर में क्या होंगी, जड़ें काफी नीचे तक आ जाती हैं, तो ये देखिए इसकी रूट क्या होंगी, काफी नीचे तक आ जाएंगी, तो ये लोअर सरफेस से न्यूट्रिएंट को लेगा और उस न्यूट्रिएंट को खींचकर ऊपर भी ले जाएगा। तो ये जो न्यूट्रिएंट यहाँ है, ये जो सॉइल हमारा है, जो हमारा एग्रीकल्चरल लैंड है, उसका पूरा यूज भी हो रहा है और न्यूट्रिएंट का एक तरह से साइक्लिंग भी हो रहा है, नीचे का न्यूट्रिएंट ऊपर भी जा रहा है, तो प्रोडक्शन क्या होगा, बना रहेगा। अब अगली बार जब फिर मोनोकाट बोएंगे तो जो ऊपर का न्यूट्रिएंट है वो मोनोकाट ले लेगा, फिर अगली बार डाईकाट बोएंगे तो नीचे से जो न्यूट्रिएंट है वो डाईकाट लेगा। तो इस तरह से क्रॉप को बदल बदल कर एक बार मोनोकाट और दूसरी बार डाईकाट को बोना ही कहलाता है क्रॉप रोटेशन, रोटेट करना। आई बात समझ में? नेक्स्ट टॉपिक है कैश क्रॉप। कैश क्रॉप का मतलब होता है, कैश माने होता है मनी, मनी वो क्रॉप जो मनी पर्पज के लिए बोए जाते हैं, जिनका मेन उद्देश्य होता है मनी। जैसे अगर आप व्हीट या पैडी को बोते हैं, गेहूं या धान को बोते हैं, तो हर बार आपका उद्देश्य मनी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इनको लंबे समय तक आप घरों में स्टोर कर देते हैं कि चलिए भाई इस साल गेहूं हम बो दिए तो अब अगले साल कुछ और बोएंगे, दो साल तक गेहूं खाएंगे, खाने के लिए बोते हैं। लेकिन मतलब इसका आपका पर्पज क्या है कि आप खाने के लिए बोए हैं, उसको जो है कि रख दिए, साल दो साल आप खुद खाएंगे, अपने खाने के लिए बोए। लेकिन अगर वही आप टमाटर की खेती करते हैं, टोमेटो की खेती करते हैं, और एक ट्रक टोमेटो हो गया तो क्या कहेंगे, आप रख दो भैया इसको अब अगले साल खाएंगे, ऐसा तो कहेंगे नहीं, सब टमाटर खराब हो जाएगा। ये ऐसी फसलें हैं, कैश क्रॉप में वो फसल आती है जो जनरली मनी पर्पज के लिए बोई जाती है। अगर कोई किसान बहुत ज्यादा टमाटर बोता है तो उसका कभी भी ये उद्देश्य नहीं रहेगा कि सब टमाटर हम खाएंगे, इस साल खाएंगे अगले साल खाएंगे, ऐसा नहीं है। उसका क्या एम होता है कि हम इस टमाटर को मार्केट में ले जाकर मनी जो है, तो ऐसी क्रॉप जो मनी पर्पज के लिए बोई जाती हैं, जिनका मेन मतलब ही होता है, जो खेत से निकलने के बाद प्राय मंडियों में चली जाती हैं मनी पर्पज के लिए, उनको हम कहते हैं कैश क्रॉप। आई बच्चों बात समझ में? और अगला है इंटरक्रॉपिंग। कि इंटरक्रॉपिंग क्या होता है, तो बच्चों यहां पर इंटरक्रॉपिंग क्या होता है, जैसे ये क्रॉप है, ये क्रॉप लैंड है, यहां पर क्या करते हैं, जैसे यहां पर हमने ये यहां पर क्रॉप उगाया है और यहां पर इनके बीच में गैप रहेगा, फिर यहां पर हम क्रॉप उगाते हैं, फिर यहां पर गैप रहेगा, फिर यहां हम क्रॉप उगाते हैं। इससे होता है क्या बच्चों, एक क्रॉप जो क्रॉप बोया गया है उसके बीच एक क्या है आपका इंटरक्रॉपिंग पैटर्न, इनके बीच क्या है जगह है। तो इस जगह में अगर हमको सिंचाई करना है तो भी हम आसानी से सिंचाई कर सकते हैं,
अगर हमको खेतों का निरीक्षण करना है, ऑब्जर्वेशन करना है कि कौन सा प्लांट है, तो इसके माध्यम से ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं और इनकी प्लकिंग तोड़ना भी आसान हो जाएगा। तो इससे क्या होता है, क्रॉप के बीच में जब बीच बीच में ऐसे खाली जगह मेड़ियां बना देते हैं तो हमें सिंचाई में भी आसानी हो जाती है, प्लकिंग में भी आसानी हो जाती है, खरपतवार को निकालने में भी आसानी हो जाती है। तो इसको हम कहते हैं क्रॉप, क्रॉप के बीच में एक पैटर्न बनाने की प्रोसेस को हम कहते हैं इंटर क्रॉपिंग। और नेक्स्ट बच्चों, प्रोटेक्शन इंप्रूवमेंट। प्रोटेक्शन इंप्रूवमेंट में हम लोग क्या देखेंगे कि बच्चों कैसे हम लोग अपने खेती को, अपने प्लांट को प्रोटेक्ट करें, बचाएं। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि कैसे उसको मेंटेन करें। अब इसका भी थोड़ा सा हम लोग प्रोटेक्शन इंप्रूवमेंट को भी देख लेते हैं बच्चों। या हम लोग प्रोटेक्शन मैनेजमेंट को डिटेल में कल स्टडी किया जाएगा, मतलब लेक्चर नंबर 3 में हम लोग देखेंगे उसको। ये हमारा तो जो इंक्रीजिंग क्रॉप यील्ड में ये चैप्टर 1 का लेक्चर 2 था, ठीक है बच्चों। ये चैप्टर 1 का क्या था, लेक्चर नंबर 2 था। तो इसमें हमको देखना है, क्लास 9th के बच्चों के लिए था। और इसमें हमको ये देख, हम लोगों ने आज क्या देखा बच्चों, तो आज हम लोगों ने देखा कि हम लोग अपनी क्रॉप के यील्ड को कैसे इंक्रीज करें। तो इंक्रीजिंग क्रॉप यील्ड में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा कि सेलेक्टिव ब्रीडिंग क्या होता है, मतलब वैरायटी इंप्रूवमेंट में हम लोगों ने देखा सेलेक्टिव ब्रीडिंग कैसे कराते हैं, कैसे हम ब्रीड को सेलेक्ट करते हैं, जो सुटेबल करेक्टर वाले ब्रीड होते हैं उनको सेलेक्ट करते हैं। और फिर हाइब्रिडाइजेशन कैसे कराते हैं, मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है और इसको भी जाने हम लोग, उसका क्या एडवांटेज है। और फिर हम लोगों ने जेनेटिक मैनिपुलेशन के बारे में पढ़ा, जो कि क्रॉप इंप्रूवमेंट के अंतर्गत थे। फिर हम लोगों ने प्रोडक्शन कैसे प्रोडक्शन को बढ़ाएं, इसके इंप्रूवमेंट में हम लोगों ने न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट देखा, इरिगेशन मैनेजमेंट देखा, वाटर मैनेजमेंट देखा। और इसके साथ साथ हम लोगों ने फर्टिलाइजर या इनके कैसा उपयोग करें इसको भी देखा, जिससे कि हमारा प्रोडक्शन बढ़े। अब प्रोटेक्शन इंप्रूवमेंट जो है, इसके बारे में हम लोग कल विस्तार से चर्चा करेंगे कि खेतों में जो होने वाले नुकसान है, जो रोग हैं, बहुत सारे इंसेक्ट जो हमारे खेती को नुकसान करते हैं, उनसे अपने खेती को हम कैसे बचाएं, इसी पर हम डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे प्रोटेक्शन इंप्रूवमेंट पर। तो डियर स्टूडेंट, हमें आशा और उम्मीद है कि आप लोग को ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा और आप इस लेक्चर का पूरा 100% बेनिफिट उठा सके, लाभ ले सके। इसके लिए बच्चों ये बहुत जरूरी है कि आप लेक्चर नंबर 1 को देखकर तब लेक्चर नंबर 2 को देखें। अगर क्यों, क्योंकि हर लेक्चर एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। और जब आप एक लेक्चर, पिछला लेक्चर देखने के बाद तब अगला देखेंगे, तो आपको दोनों लेक्चर के बीच आपस में रिलेशन भी समझ में आएगा और लेक्चर पूरी तरह से समझ में आएगा। और डीपीपी को आप निश्चित रूप से सॉल्व करते रहें, जिससे होगा क्या, अगर डीपीपी आप सॉल्व करते रहेंगे तो आपको उस चैप्टर से संबंधित जितने भी डाउट, जितने भी प्रॉब्लम रहेंगे, वो खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। और आप देखेंगे कि आपको जब चैप्टर खत्म होगा तो हर डीपीपी को अगर आप सॉल्व किए हैं तो उस चैप्टर पर बेस्ड चाहे जितने भी क्वेश्चन होंगे, सारे क्वेश्चन का जवाब आंसर जो है वो आपकी जुबान पर होगा। और बच्चों, इस हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। क्यों, क्योंकि अगर सब्सक्राइब करते हैं तो इसका नोटिफिकेशन क्या है, अगर कोई भी वीडियो अपलोड होता है तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। और मेरा जो चैनल है माई स्कूल ऐप, इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।